परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से हम सबों को आज के इस समय में जोड़ने के लिए। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और वाकई में ये परमेश्वर की अद्भुत योजना का ही हिस्सा है कि हम सब आज इस सभा में इकट्ठा हो सके हैं। आज जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर से ये मांग रही थी कि प्रभु ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जो आप चाहते हैं कि आपके लोग सुने, तो कुछ ऐसे वचन हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ख़ास तौर पर कॉलिंग के ऊपर, बुलाहट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप आज के वचन को सुने, वचन के लिए अपने मन को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने लिए प्रार्थना करें और इस बात को कहें कि परमेश्वर आज मेरे मन से बात करें, प्रभु जो मेरी बुलाहट है उसको आप और तेज़ करें और शार्प करें, और प्रभु जो भी रुकावटें मेरी बुलाहट में आती हैं वो आज आप मुझ पर जाहिर करें। सो ये आपकी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। वी वॉन्ट टू एम्पावर यू स्पिरिचुअली। हम आपको परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा की रहनुमाई के ऊपर डिपेंडेंट करना चाहते हैं, ताकि आप प्रभु के साथ होकर जिस जिस जगह पर प्रभु ने आपको रखा है उस जगह पर परमेश्वर के काम को बढ़ा सकें। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे पांच एरियाज हैं, कौन सी ऐसी पांच जगहें हैं और तरीके हैं जिनके साथ शैतान अटैक करता है परमेश्वर के लोगों की बुलाहट के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर। आपको मैंने पिछले दिनों में बताया था कि बुलाहट हर एक इंसान की लाइफ में होती है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि उसकी लाइफ में परमेश्वर की कॉलिंग नहीं है। और कॉलिंग का अहम हिस्सा होता है कि आप उस एरिया में जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है, आप प्रभु की महिमा का कारण बने, एक ऐसा वेसल बने जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के आदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसे इग्नोर मत कीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहीं ना कहीं अपनी जीवन में भी इन चीज़ों को देखा होगा या देख रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और वो क्यों हो रहा है और किस रीज़न से है और कैसे उसमें से बाहर आना है। तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, सबसे पहला, जब आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट होगी, इससे पहले कि परमेश्वर के काम आपकी लाइफ में दिखाई दे, इससे पहले कि आप अपने पहले कदम को बढ़ाएं और आप ऐसे कामों को करें जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, शैतान के अटैक्स उसी जगह से शुरू हो जाएंगे, इवन बिफोर यू बिगिन योर कॉलिंग। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, और वहाँ पर चाहे आप मूसा के जीवन से ले लें, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ले लें, इससे पहले कि उनकी बुलाहट नज़र आए, इससे पहले कि उनके जीवन के काम नज़र आए, उनके ऊपर अटैक्स पहले से ही शुरू हो गए थे। जब मूसा पैदा हुआ तो इस बात की डिक्री की गई, इस बात की घोषणा की गई कि जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो मेल चिल्ड्रन जो बॉर्न होंगे उस जगह पे इसराइलीज के बीच में, तो बताया गया उनके लिए एक डिक्री निकाली गई कि उन सबों को मार दिया जाए। और हम जानते हैं कि मूसा की माँ ने कैसे उसको बचाया, कैसे उसको नील नदी में जो है वो डाल दिया ताकि वो बचाया जा सके। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय भी राजा ने एक डिक्री की कि 2 साल से नीचे के जितने भी मेल चिल्ड्रन हैं उन सबको मार दिया जाए। और प्रभु यीशु मसीह के बचाव के लिए स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला कि वो वहाँ से उन्हें ले जाकर इजिप्ट में बचाने के लिए ले जाए। सो हम देखते हैं कि इससे पहले कि बुलाहट शुरू हो, इससे पहले कि आपके जीवन में काम शुरू हो, शैतान पहले से ही अटैक करने शुरू कर देगा। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि आपको पहले से ही डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। अब जिस बंदे के ऊपर अटैक होंगे वो बंदा ये सोचेगा कि ओहो, इतनी गड़बड़ी हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, तो शायद परमेश्वर चाहते ही नहीं कि मैं कुछ करूँ, तो वो बंदा पहले ही हथियार डाल देगा। तो वो इसलिए उसके ऊपर अटैक किए जाते ताकि उसको डिसक्वालीफाई किया जा सके। जब आप निर्गमन की किताब उसके चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं, उसकी 8वीं आयत में देखें कि लिखा है कि फेरो, जब वहाँ पर नया फेरो आया था तो उसने, वो यूसुफ को नहीं जानता था, पर वो एक चीज़ जानता था कि इसराइलियों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। और जब वो उनकी पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देखता है तो उनके ऊपर अलग अलग तरह से टॉर्मेंटेशन के लिए जो है कमांड देता है, क्योंकि वो पहले से ही उनके होने को, उनके कामों को, उनकी बढ़ती हुई संख्या को देखकर ये जान गया था कि परमेश्वर इनके थ्रू कुछ करवाना चाहते हैं। सो इससे पहले कि वो बढ़ते, इससे पहले कि उनका, उनके जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई देता, शैतान के अटैक्स पहले ही बढ़ चुके थे, पहले ही हो चुके थे। सो इसलिए आप इस बात को याद रखें कि जब आप बुलाहट की बात करते हैं, जब आप कॉलिंग की बात करते हैं, अगर कोई यंग लड़का या लड़की है तो उसकी लाइफ में आप कैसे जान पाएंगे कि अटैक्स हो रहे हैं कॉलिंग के ऊपर? उसके
अचानक ही फ्रेंड सर्कल जो है वो गलत वाला हो जाएगा, उसके आसपास के जो दोस्त होंगे, जो उसके फ्रेंड्स होंगे, वो सारे उसको परेशान करने के लिए, उसको गलत तरीके से गलत संगति में खींचने वाले होंगे। और ये लड़का या लड़की क्या करेंगे, अच्छे भले चलते हुए किसी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएंगे। तो ये बात कोई नॉर्मल, कोई नेचुरल सी, स्वाभाविक सी बात नहीं है कि बच्चे का एटीट्यूड चेंज हो गया, हार्मोनल इन्फ्लक्सेस हो रहे हैं या बच्चे जवान हो रहे हैं। जी नहीं, ये एक्चुअली बहुत सोची समझी साजिश है जिसकी वजह से शैतान क्या कर रहा है, उनकी बुलाहट के ऊपर अटैक कर रहा है। बाइबल में भी, या अगर आप स्वाभाविक तरीके से भी उन लोगों की लाइफ्स की ओर देखें जो लोग बहुत पावरफुली परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल किए गए हैं, आप ज़रा उनका पास्ट उठा के देख लीजिएगा। पास्ट में उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए होंगे, उनकी ग्रोइंग अप स्टेज में बहुत सारे अटैक्स हुए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने किसी ना किसी मोड़ पर यह सोचा होगा कि या तो वो सुसाइड कर लें, या फिर वो अपने जो जीवन के चीज़ों को ख़त्म कर दें, या फिर वो परमेश्वर के फेथ से अलग हो जाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जो शैतान है वो पुश करेगा लोगों को ऐसे अटैक्स करके, ताकि वो अपनी डेस्टिनी से, वो अपनी कॉलिंग से, अपनी बुलाहट से डिस्प्लेस किए जा सकें। और उसने कोशिश की थी मूसा के समय में भी, जब मूसा ने उस इजिप्शियन को मार दिया था, तो शायद शैतान ने ये सोचा होगा कि मूसा अगर उस जगह से उस इजिप्शियन को मार के चला जाएगा तो उस जगह से अलग हो जाएगा। अब उसकी बुलाहट तो उस जगह के लिए थी, पर वो नहीं जानता था कि परमेश्वर जो है वो सेकंड चांस देने वाले परमेश्वर हैं। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर बुरी चीज़ों में से भी अच्छी चीज़ निकालने वाले परमेश्वर हैं। जिस जगह पर आकर चीज़ें सारी तहस नहस भी हो जाती हैं, उस जगह में भी परमेश्वर कुछ नया निकालने की योग्यता रखने वाले परमेश्वर हैं। सो इस बात को आप याद रखें कि चाहे शैतान कितने भी हमले क्यों ना कर ले, कितने भी बुलाहट के ऊपर अटैक क्यों ना कर ले, पर फिर भी परमेश्वर जो है वो सोवरेन गॉड है, और अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर उस खड्डे में से भी आपको निकाल कर खड़ा कर देंगे, ताकि आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा करवा सके। आमीन। ये है पहली चीज। दूसरी चीज कि जब किसी के जीवन में बुलाहट होती है तो शैतान भी चुप नहीं रहता, वो लोगों को किसी ऐसे सीक्रेट सिन में डाल देता है या पुश करता है किसी सीक्रेट सिन की ओर, जो लोगों की ओर से तो नहीं देखा जा सकता, या जो प्राइवेट लाइफ में इंसान के होता है, और वो किसी को ना तो बता सकते हैं, ना किसी के सामने प्रार्थना के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन वो अकेले ही उससे जूझते रहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकती है, ये गंदी चीज़ें देखना हो सकती है, ये शराब की लत हो सकती है, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी ऐसा सीक्रेट सिन हो सकता है जो इंसान अकेले जूझता है। अब शैतान की यहाँ पर क्या कोशिश रहती है कि हर समय उस बंदे को इतना उस चीज़ के अंदर धकेल दे कि जब उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आए, जब परमेश्वर की आवाज़ आए, तो वो खड़ा ही ना हो पाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने वो फेस ही ना कर पाए प्रभु। तो यहाँ पर उसकी यही कोशिश रहती है कि किसी भी एडिक्शन के साथ, किसी भी गलत बिहेवियर के साथ, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो प्राइवेट में की जाती है, जिसको आप खुलकर दूसरों के सामने नहीं जाहिर कर सकते, तो वो क्या करेगा, वो उन चीज़ों में आपको खुशी देने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा यार ठीक है, इट्स ओके, अगर ये छोटी सी बात ही तो है, पर अगर चलती है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को थोड़े ना पता चलेगा। तो वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली आप पर नहीं अटैक कर रहा, वो आपकी बुलाहट पर अटैक कर रहा है। सो इसके साथ आपके स्पिरिचुअल पावर को ड्रेन कर देता है। अब मैं इस चीज़ को ऐसे समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर आपके आपके बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा तत्व है जो सही नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको सिरिंज लगा के, या पस हो मान लीजिए किसी चीज़ में, तो सिरिंज लगा के उसको खींच लिया जाता है, ताकि वो सारा का सारा जो इन्फेक्शन है पूरे की पूरी जगह में ना फैल जाए, लेकिन आपको जो है उससे राहत देने के लिए उसको खींच लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब जब डेविल की बात करते हैं, जब विरोधी की बात करते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो परमेश्वर के लोगों की स्पिरिचुअल पावर को ड्रेन करना चाहता है। जब तक तो आप पावरफुल रहेंगे तब तक आप उसका सामना कर सकेंगे, जब आप खुद ही पावरलेस हो जाएंगे तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। और जो सीक्रेट सिंस होते हैं, जो ऐसे गुप्त पाप होते हैं जिनको आप दूसरे के सामने ना तो जाहिर कर सकते हैं, ना बता सकते हैं, जिसको छुपाकर आप अपने प्राइवेट लाइफ में रखते हैं, वो पाप क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअल पावर को खींच लेते हैं। तो अब इंसान क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, वो हेल्पलेस हो जाता है। और यहाँ पर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि परमेश्वर
इसके विपरीत यानी इसके ऑपोजिट काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर एक पापी बर्तन को, एक गंदे बर्तन को इस्तेमाल करें। प्रभु साफ करना जानते हैं, परमेश्वर उसको पवित्र करना जानते हैं, परमेश्वर ने हमें अलग किया है। और तभी आप देखेंगे कि जो परमेश्वर के चुने हुए जन होते हैं, मैंने एक वीडियो में बात भी की थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर की ओर से अलग किए गए हैं, चुने हुए हैं, कि प्रभु आपको गंदगी से अलग करेंगे, कंसेक्रेट करेंगे। कंसेक्रेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके आसपास हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो परमेश्वर की कॉलिंग के लिए सही नहीं है, परमेश्वर उनसे आपको अलग करेंगे। सो परमेश्वर अलग इसलिए करते ताकि आपको साफ किया जा सके, आपको धोया जा सके, आपको पवित्र किया जा सके, आपको पाकीज़गी का जीवन दिया जा सके, जिससे आप पावरफुल तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से परमेश्वर का काम कर सके। और अगर किसी के जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, तो वो शैतान के पर्सनल असिस्टेंट का काम करते हैं। कि जैसे एक पर्सनल असिस्टेंट क्या करता है कि किसी की हेल्प करने के लिए होता है, तो ये जो गुप्त पाप होते हैं इंसान की लाइफ में, एक्चुअली विरोधी को असिस्ट कर रहे होते हैं, उसको आपकी ओर से मदद कर रहे होते हैं कि वो आपकी लाइफ को परमेश्वर की कॉलिंग से ड्रिफ्ट करने पाए। जब आप दूसरा तिमथी पढ़ते, ये बात की गई है, जब पौलुस तिमथी से बात करता है तो उसको कहता है कि कुछ बर्तन आदर के लिए बनाए गए हैं, कुछ बर्तन अनादर के लिए बनाए गए हैं। सो कई बर्तनों से परमेश्वर की महिमा होती है, कई बर्तनों से परमेश्वर की महिमा नहीं भी होती है। तो हमें कैसे पात्र बनना है, कैसे बर्तन बनना है? वो बर्तन जिनमें परमेश्वर की महिमा समा सके, जिनके थ्रू परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जा सके, इसीलिए उसे साफ करना ज़रूरी है। और मैंने कई बार अपने कई लाइव सेशंस में भी ये बात समझाई है कि अगर आपको पानी पीना हो और आपके पास एक गंदा ग्लास हो, तो आप उस गंदे ग्लास में पानी नहीं पियेंगे। आप पहले उस ग्लास को साफ करेंगे, साबुन से साफ करेंगे, पानी से साफ करेंगे, उसके बाद जब वो बिल्कुल साफ हो जाएगा तब आप उसमें पानी पी सकते हैं। तो अगर हम इतने विजिलेंट हैं कि जिस बर्तन को हमें अपनी यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, हम गंदे बर्तन में खाना खा नहीं सकते, गंदे ग्लास पानी पी नहीं सकते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर गंदे जीवन में, गंदगी से भरे हुए जीवन को इस्तेमाल करें? तो परमेश्वर भी साफ करने में इंटरेस्टेड है, बट पहल आपको करनी पड़ेगी। परमेश्वर पहल नहीं करेंगे, आप ही को परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। सो आपका फुल पोटेंशियल, जैसे कई बार आप देखते हैं कि किसी पावरफुल मशीन के साथ आप छोटा सा कोई अडैप्टर लगा दे तो वो मशीन चलेगी नहीं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई और इंस्ट्रूमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो अगर आप छोटा सा कोई लगा देंगे अडैप्टर, तो वो जो है वो वोल्टेज ही नहीं, सप्लाई ही नहीं उस तक पहुंचने देगा, तो वो चीज़ चलेगी नहीं। तो ऐसे ही जब तक इंसान के जीवन में पाप होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको फुल वोल्टेज तक, फुल पोटेंशियल तक परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल ही नहीं होने देते। इसलिए आपको अपने जीवन को रिपेंटेंस के साथ, माफी मांग के परमेश्वर के साथ सही करना जरूरी है। सो ये एक विशियस साइकिल नहीं तो क्रिएट हो जाता है कि बंदा पाप करता है, माफी मांगता है, और फिर जब शैतान धकेलता है फिर वो उसमें गिर जाता है, फिर पाप करता है, फिर पाप करता है। और इस साइकिल में से इसको ब्रेक करें, इसको तोड़े और इसमें से बाहर आए, और जब आप बाहर आएंगे तभी आप अपने कंप्लीट पोटेंशियल के साथ अपनी बुलाहट को पूरा कर सकेंगे। आमीन। तीसरी चीज, कई बार जब हमारे जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट होती है तो शैतान डायरेक्ट अटैक भी करता है। अब डायरेक्ट अटैक कैसे करता है? टेम्पटेशन के थ्रू करेगा, उन चीज़ों के जरिए से करेगा जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं या जो हमारी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के रोज़े पर गए, तो उस टाइम पर वो भूखे थे। लिखा है कि 40 दिन की फास्टिंग के बाद उन्हें भूख लगी। जब उन्हें भूख लगी तब उनको भरमाने वाला उस जगह पर आकर उन टेम्पटेशंस के साइकिल को शुरू करता है। वो कहते हैं अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, यानी कि वो प्रभु को डिवाइन पावर्स यूज करने के लिए उत्साह रहा था, उन्हें इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर तू है। अब ऑब्वियसली दोनों जानते थे, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को जानते हैं और शैतान भी इस बात को जानता है कि जी वही परमेश्वर के बेटे हैं, तो ऑब्वियसली प्रभु यीशु को तो इस बात को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। पर वो क्या करेगा, वो इंस्टिगेट करेगा डायरेक्ट अटैक्स के साथ।
हो सकता है कि वो आपको भी कभी डायरेक्ट अटैक्स के साथ आपको उकसाने की कोशिश करें, आपको भरमाने की कोशिश करें, आपको आपके पाथ से अलग करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो किसी और को दिखाकर या आपको दिखाकर एंटाइस करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। मान लीजिए अगर किसी की लाइफ में वर्शिप का तोड़ा है, वर्शिप की बुलाहट है, तो हो सकता है कि वो किसी और को, किसी सेक्युलर म्यूजिशियन को दिखाकर या किसी सेक्युलर गाने वाले को दिखाकर बंदे को टेम्प्ट करने की कोशिश करें कि देख अगर तू सेक्युलर म्यूजिक गाएगा या गाएगी, तेरी तो जो नाम है, तेरी तेरा जो फेम है वो तो एकदम शूट अप करेगा, तो तू ये छोड़कर, परमेश्वर की जो वर्शिप को छोड़कर ये गाने गा, इससे तेरी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि उसके मन में प्राइड डाल दे जो बंदा वर्शिप करता है कि देखें जी मैं जब गाता हूँ या गाती हूँ तो देखें कितने लोग जो है वो मुझे सराहते हैं, तो प्राइड भी आ सकता है। अगर कोई किसी के जीवन में टीचिंग की बुलाहट है तो हो सकता है कि वो उसको गलत शिक्षाओं में लेकर आ जाए, गलत और फॉल्स टीचिंग्स जो है उनको सिखाना शुरू कर दे ताकि वो जो लोग हैं जो उसको सुने वो बहुत सारे गलत शिक्षाओं में पड़ जाए। या मान लीजिए अगर कोई इवेंजलिस्ट है तो वो कोई ऐसी टेम्पटेशंस लेकर आए कि बंदा सोचे कि नहीं जी अब करना ही नहीं प्रभु का काम, मुझे कुछ नहीं पड़ा है कि मैं परमेश्वर के लिए रूहों को जीतूं, बस जील वील सारी खत्म हो गई, सारा एंथुजियाज्म खत्म हो गया। तो ये क्या, ये डायरेक्ट अटैक्स है। कई बार इंसान ये सोचता है शायद ये मेरी मन की भावना है, या प्रॉबली ये मुझे वैसे ही फीलिंग हो रही है, या शायद मेरे आसपास की चीज़ें ऐसी हो रही है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या मैं वैसे ही ऑफेंड हो रहा हूँ। जी नहीं, आप ऐसे ही नहीं ऑफेंड हो रहे होते, आपको ऐसे ही नहीं चीज़ें बुरी लग रही होती, आप ऐसे ही नहीं अपने दिल को दुखा रहे होते, आपके आसपास जो लोग हैं वो ऐसे ही नहीं आपको परेशान कर रहे होते। ये एक अटैक का हिस्सा होता है, ये आपके ऊपर इसलिए किया जाता है ताकि आपकी मोटिवेशन को, आपकी जील को, आपके एंथुजियाज्म को, आपके जोश को जो प्रभु के लिए है या प्रभु के कामों के लिए है या उस बुलाहट को पूरा करने के लिए है जो प्रभु ने आपके जीवन में रखी है, उसे खत्म किया जा सके। एंड आई एम श्योर आप में से बहुतों को इस समय अपने काफी क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा होगा। सो इसलिए याद रखें कि वो डायरेक्ट अटैक भी करता है कि आपको बच के रहना है। और बच के कैसे रहते, जब हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर पर रहता है, जब हमारी निगाहें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहती हैं, तो हम इन अटैक्स को झेल पाते हैं, इनका सामना कर पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा किया, पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ किया। ये है तीसरी चीज़ जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। चौथा काम, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इस बारे में बात तो मैंने बहुत बार की है लेकिन ये एक अटैक है। देखिए, कई बार जब आप अपने बीते हुए कल के रिग्रेट्स में रहते हैं और बार बार सिर्फ मातम मनाते हैं उन गलतियों के लिए जो आप कर चुके हैं, तो आप जान लें कि ये छोटी सी बात नहीं है, ये अटैक है। अगर हम संत पौलुस की बात करें, पौलुस को परमेश्वर ने दमिश्क के रास्ते में चुना, प्रभु ने उससे डायरेक्टली बात की, परमेश्वर ने उसकी आंखों पर एक पर्दा डाला और फिर उसके बाद उस झिल्ली को उतार भी दिया और प्रभु ने उसको अपनी नज़दीकी में बढ़ाया भी। प्रभु ने हनन्या को ये बात कही कि उसके लिए प्रार्थना कर और ये भी कहा कि उसको मैंने चुना है ताकि वो जाकर उन लोगों तक पहुंच सके जहां परमेश्वर का वचन जाना चाहिए, यानी उन हाई क्लास लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना ज़रूरी था, उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था जो परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं जानते थे। अब हुआ क्या, वो जानता था कि उसने क्या किया था, उसने परमेश्वर के लोगों को सताया था, उसने कलीसियाओं पर अटैक किया था, उसने लोगों को बुरी तरह से मारा था, पीटा था, मर्डर भी किया था। अब वो सब चीज़ें जानता था, यानी ही हैड ब्लड ऑन हिज हैंड्स, उसके हाथों में खून था, क्योंकि वो ऑलरेडी परमेश्वर के लोगों को मार चुका था, परमेश्वर के लोगों को सताने का काम करता था। अब परमेश्वर ने मिराकुलसली उसको चुन लिया। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें कि पौलुस को भी इन चीज़ों के, इन अटैक्स में से निकलना पड़ता था। और आपको पता कैसे चलेगा, जब आप पहला तिमथी पढ़ते हैं, उसके पहले चैप्टर को जब आप देखेंगे, उसके 12 से लेकर 14 वचनों तक जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर पौलुस इस बात को तिमथी को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कलीसियाओं को सताने वाला था, मैं जानता हूँ कि मैं क्या करता था, यानी वो इस बात को कह रहा है कि मुझे पता है मुझे परमेश्वर ने कहाँ से उठाया है,
मेरे अजीजों याद रखें, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है हमें हमारे पास्ट से खींच कर निकालने के लिए और हमें उस जगह पर खड़े करने के लिए जहां हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर शैतान का ये अटैक रहेगा कि वो बार बार उन गलतियों का हवाला देकर हमारे मोराल को डाउन करे और इस बात को बताए कि हम योग्य नहीं हैं कि हम पवित्र परमेश्वर के कामों को कर सके। दिस इज अ स्ट्रैटेजी ताकि आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाए और आप अपने आप को इनकेपेबल जाने, आप अपने आप को अयोग्य जाने कि आप परमेश्वर के राज्य में कुछ कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए याद रखें कि अगर वो आपके मन में ऐसी चीजों को डालता है, ठीक वैसे ही जैसे पौलुस ने उसका सामना किया, ठीक वैसे ही जैसे वो तिमथी को सिखा रहा है, वैसे ही हमें भी इस चीज का सामना करना है और उसे बताना है कि हालांकि परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर चुना, हालांकि मैं ऐसा था, पर अब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मर्सी की वजह से मैं इस जगह पर हूं जहां मुझ पर दोष नहीं लगाया जा सकता। प्रभु का वचन भी तो रोमन्स की किताब उसके 8वें चैप्टर में यही बात कहता है, पहली आयत में, कि अब प्रभु के चुने हुओं पर दोष नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो आत्मा के द्वारा चलते हैं। और जब हम आगे भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी रोमन्स की किताब उसके 8th चैप्टर में ये बात कही गई है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों को खुद धर्मी ठहराते हैं। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने पास्ट मिस्टेक्स में बार बार मत गिरें। अगर ये चीज़ें आप पर अटैक के लिए भेजी जाती हैं तो आपको इसका सामना वचन के द्वारा करना आना चाहिए। ये चौथा अटैक है। पांचवा और आखिर अटैक ये है कि वो आपके मन में अलग अलग तरह की एक्सक्यूजेस को, अलग अलग तरह के डाउट्स को लेकर आएगा। हर एक उस जन के बारे में देखें जो पवित्र बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, चाहे मूसा की बात करें, चाहे जोना नबी की बात करें, चाहे गिदौन की बात करें, चाहे जरमाया की बात करें, ये सब वो लोग हैं जिनके पास अपनी एक्सक्यूजेस थी अपनी लाइफ को इनकेपेबल दिखाने के लिए। मूसा ने ये बात कही थी कि प्रभु मैं अच्छे से बोल भी नहीं सकता। जब आप 4th चैप्टर पढ़ते हैं एक्सोडस का, निर्गमन का, तो वो ये प्रभु से एक्सक्यूजेस रखता है कि मैं अच्छा नहीं बोल सकता, मुझे आती नहीं बात करनी, मैं जो है एलोक्वेंट नहीं हूँ बातचीत में। लेकिन आप ये देखें कि जब आप बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोसल्स पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसके 7वें चैप्टर की 22वीं आयत में ये बात लिखी गई है कि मूसा जो था वो पूरी तरह से स्किल्ड था, एजुकेटेड था, अच्छा बोल लेता था, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई थी, लेकिन वो परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है, प्रभु के सामने एक्सक्यूजेस के साथ भरा हुआ है, डाउट्स के साथ भरा हुआ है। अब ये वो नहीं भरा हुआ, वो एक्चुअली उस पर एक अटैक है जिसकी वजह से वो अपने आप को कम जान रहा है और जानता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज वन थिंग। अगर आप गिडोन के बारे में, गिडियन के बारे में देखते हैं, तो वो भी परमेश्वर का दूत जब उसके सामने आता है तो वो सबसे पहली बात यही कहता है कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, वरन मेरा जो ट्राइब है वो सबसे छोटा है और उनमें भी मैं सबसे ज़्यादा जो छोटा हूँ। तो यानी वो अपनी एक्सक्यूज बता रहा है कि मुझसे नहीं आप एक्सपेक्ट करना, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज सो डाउटफुल ऑफ हिज आइडेंटिटी इन द लॉर्ड। और जब आप जरमाया की बात देखते हैं तो जरमाया कहता है कि मैं इतना छोटा हूँ, मैं प्रॉफिट कैसे हो सकता हूँ, आई एम सच अ यंग बॉय। लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर उसे इस बात को कहते हैं कि तुझे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तू क्या बोलेगा, मैं खुद उन वचनों को तेरे मुंह में डालूंगा जो तुझे बोलने की जरूरत है। सो यहां पर भी आप देखें, जोना के बारे में देखें, जाना कहां था, निकल कहां गया, ही वॉज फुल ऑफ एक्सक्यूजेस, ही वॉज फुल ऑफ डाउट्स। तो कई बार जो एनिमी है, विरोधी है, वो अपने झूठ की वजह से आपको आपके ट्रैक से, आपकी कॉलिंग से अलग करने की कोशिश करेगा। सो आपको इस बारे में याद रखना है कि आपको उसके लाइज को, उसके जो झूठ है उनको एंटरटेन नहीं करना है, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी को जानना ज़रूरी है जो परमेश्वर में है। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको परमेश्वर में एनकरेज करना चाहती हूँ कि अपने कॉलिंग से पीछे मत हटें। हर एक जो आज इस प्लेटफॉर्म पर है, जो हमें सुन रहा है,
आज जो इस जो पूरे वचन को सुन रहा है वो जाने कि आपके जीवन में परमेश्वर ने ऑर्डिनरी थिंग्स नहीं रखी हुई हैं। और मैं प्रोफेटिकली इस बात को अनाउंस कर रही हूँ, जब आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप जान रखें कि परमेश्वर की एक बुलाहट है आपके जीवन के लिए, एक कॉलिंग है जिसके अंतर्गत परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। आप ऐसे ही नहीं इस वचन को सुन रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं इन वचनों को जो है रिसीव कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। सो मेरे अजीजों, आप बी वेरी सीरियस अबाउट योर कॉलिंग। आने वाले जो समय है वो बहुत ही, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और वाकई में आप याद करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सी कि वाकई जब पास्टर नीतो इस बात को बार बार कहती आई हैं कि आने वाले समय बहुत डेंजरस हैं, वो समय दिखाई देंगे आपको। आपको अपने अराउंड, अपने आसपास, अपने देश में, आपको अलग अलग नेशंस में वो समय दिखाई देंगे कि जो समय बहुत ही डेंजरस है। और क्योंकि वो डेंजरस समय आ रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के लोगों का तैयार होना जरूरी है। आपको किस लक्ष्य से परमेश्वर ने अलग किया है उसके बारे में सोचें। आपको क्यों परमेश्वर ने तैयार करने का मौका दिया है उसके बारे में सोचें। और तैयारी सिर्फ पीस के टाइम पे की जाती है, वॉर के टाइम पे तैयारी नहीं की जाती। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तैयारी सिर्फ शांति के समय में की जाती है, लड़ाई के समय, युद्ध के समय तैयारी नहीं होती है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा और वो कहते हैं, हाँ जी मैं ना बड़ी मुश्किल में से निकल रहा हूँ, इसलिए मैं फास्टिंग पे जा रहा हूँ। तो मैं कहती हूँ कि फास्टिंग उस टाइम पे रखते हैं जिस टाइम पे आप पीसफुल टाइम में होते हैं, ताकि आप युद्ध के लिए तैयार किए जाएं। युद्ध पर आप लड़ेंगे कि आप घुटनों पे आके प्रार्थना करेंगे? जिस समय लड़ने का समय होता है उस टाइम हथियार उठाकर लड़ने का समय होता है, उस टाइम बैठकर प्रार्थना करने का समय नहीं होता है। प्रार्थना करने का समय तब था जब परमेश्वर आपको जता रहे थे बार बार, आपके मन को उभार रहे थे बार बार कि बेटा प्रार्थना कर ले, उपवास रख। और आप कह रहे थे, नहीं जी मैं भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मैं तो बहुत खाने वाला बंदा हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं उपवास रखूंगा, जब कुछ होगी प्रॉब्लम तो उपवास रखूंगा। वो टाइम नहीं उपवास रखने का, फास्टिंग का टाइम अब है जबकि शांति है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? Don't start praying when you are in trouble. Pray before the trouble comes. उस समय तो सिर्फ हथियार उठाकर affirmations करनी होती हैं। उस समय तो सिर्फ हथियार उठाकर अपनी लड़ाई लड़नी होती है। उस समय तो जो आपका है उसको लेना होता है। उस टाइम पर थोड़ी ना बैठ के दुआएं करनी होती हैं। इसलिए अब ये भी ना कहिएगा कि पास्टर नीतू ने मना किया था कि मुश्किल की घड़ी में प्रार्थना नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ तैयारी की प्रार्थना। सो उस समय प्रार्थना तो करेंगे ही आप, परमेश्वर को तो कहेंगे कि प्रभु मेरे साथ खड़े हों, तो ऑब्वियसली वो प्रार्थना अलग होती, तैयारी की प्रार्थना अलग होती है। तो जब आप अपने कमरे में तैयार हो रहे हो, जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे जंगल में तैयार हो रहे थे, वो तैयारी का समय था। तो जिस समय शैतान ने डायरेक्ट अटैक करने शुरू किए उस टाइम पे थोड़ी कहा कि हाँ मैं फास्टिंग पे चला जाता हूँ, जी नहीं, फास्टिंग का टाइम उस टाइम होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, और मैं चाहूँगी कि आप इस बात की संजीदगी को, गंभीरता को समझ पाएं कि आपकी बुलाहट कोई मजाक नहीं है। इट इज़ नॉट अ जोक, गेट सीरियस विद योर कॉलिंग। जो भी बुलाहट आपके जीवन में परमेश्वर ने रखी है उसके लिए संजीदा हो जाए।